सभी मेरे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। दोस्तों, जीआईसी की प्रिपरेशन के लिए आपके रिक्वायरमेंट थी कि सर थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ा दीजिएगा, तो मैंने क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट किए हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही मुझे समझ में आए कि नहीं, लेवल इनका ठीक है और इससे भी स्टैंडर्ड लेवल भी लेकर के आपके सामने आऊँगा। लेकिन पहले आज हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जीआईसी की प्रिपरेशन के जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और इस वीडियो को कहीं भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से अच्छे क्वेश्चन हैं, जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टर्सरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड बाई यूजिंग द बॉयलिंग डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बॉयलिंग डाइल्यूट H2SO4 है, ना कि कंसनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 जब हम लोग यूज़ करते हैं तो मान लीजिएगा कि वहाँ पर एल्कीन बन जाते हैं, तो फिर क्या होना चाहिए कि बिकॉज विद द कंसनट्रेटेड एल्कीन्स फॉर्म्ड पॉलीमराइजेशन, कंसनट्रेटेड के साथ पॉलीमराइजेशन नहीं होता, फॉर्म्ड अंडरगो पॉलीमराइजेशन नहीं होता। चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सी पे पहुँचते हैं, टर्सरी एल्कोहल्स डिहाइड्रेटेड बाई यूजिंग द बॉयलिंग डायलूट H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 मस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज ऑप्टेंड। यानी इसका मतलब ये होता है कि कंसनट्रेटेड जो लेंगे हम लोग तो उससे एल्कीन बनेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो डायलूट है वही पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि टर्सरी एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड बाय यूजिंग बॉयलिंग डाइल्यूट H2SO4। तो सिंपल सी बात यह है कि भाई विद कंसनट्रेटेड H2SO4 टर्सरी एल्कोहल्स गिव द मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक, तो ये तो सही है ना। और हम लोग डाइल्यूट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 से जो एल्कीन बने वो फर्दर पॉलीमराइज हो जाए, इसलिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब आंसर फिर सी सही होगा, तो इसको सी लगाइएगा। फिर दोबारा आप इस बात को समझ लीजिएगा कि कंसनट्रेटेड H2SO4 से जो एल्कीन बनेंगे, एल्कीन तो बनेंगे ये पक्का है, लेकिन वो फिर क्या हो जाएंगे, वो अंडरगो द पॉलीमराइजेशन, वो पॉलीमराइज हो जाएंगे और 3 डिग्री कार्बो कैटायन की तरफ पहुंच जाएंगे। और 3 डिग्री कार्बो मतलब उसके अंदर जो बनेगा वो पॉली आइसोब्यूटेन टाइप का कंपाउंड बनता चला जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो पॉली आइसोब्यूटेन बन जाएगा, इसको बना करके भी आप देख लीजिएगा। सेकेंड वाला आ जाता है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंसिडर करना है, ठीक है। पहले में क्या है, RONA ने H2O के साथ रिएक्शन किया, ROH बना दिया, NOH बना दिया, ठीक है। दूसरे ने ROH के साथ रिएक्शन किया, NNH2 और RONA बना दिया, वेरी गुड। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द बेस स्ट्रेंथ, यानी कि बढ़िया बेस कौन है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर उन दोनों रिएक्शन को आप देखो तो ध्यान देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों रिएक्शंस बनाई हुई हैं। तो यानी पहले वाले में RO इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH, यानी पहले वाले में RO जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन OH। ये RO जो यहाँ पर वाटर का मतलब HOH बनेगा ना, या ऐसे कहें कि ये वाला है जो OH इसमें जुड़ा हुआ है। तो यानी कि RO इज स्ट्रॉन्गर देन OH कहाँ मिल रहा है वो हम देख लें पहले, ठीक। यानी कि हमारे पास हो जाएगा RO इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH, तो ये इतनी स्ट्रेंथ मिली। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं, NH2 यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू RO, तो यहाँ पर एज कम्पेयर टू RO, तो ये ऑर्डर हमें मिलना चाहिए। ये अभी दो में तो दिया नहीं है, सेकेंड वाले में हम लोग देख लेते हैं ये, इसका मतलब आंसर हमारे पास फिर सी ऑप्शन इसका हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज ऑप्टेंड व्हेन 1,1-dibromopropane, जो 1,1-dibromopropane है इसको जब हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर से ट्रीटमेंट देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने CH3 लिया, यहाँ लिखा मैंने CH2, यहाँ लिखा मैंने CH, और यहाँ लिखा मैंने यहाँ पर BR और यहाँ पर BBR। अब इसको हमने दो मॉलिक्यूल लेके अगर हमने सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको हमने हीट कर दिया, ड्राई ट्रीटमेंट दे दिया, तो जो कंपाउंड होगा वो है 2,4-NaBr यहाँ से निकलेगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा और लंबी चेन, यानी कि ये एक टाइप का एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन मान सकते हैं इसको। तो जब बनेगा तो डबल बॉन्ड आना है, तो डबल बॉन्ड का मतलब हो गया प्रोपीन तो बनने से रहा, क्योंकि डबल हो जाएगा नंबर, तो हेक्स यानी कि 1, 2, 3, ठीक है, हेक्स 3-ईन आएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे बना के देख भी सकते हो, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड, यही मॉलिक्यूल पूरा फिर पलट के जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 4-NaBr निकलेंगे ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझिए आपके 2-NaBr निकाल दीजिए, और उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मतलब जो है वो ये वाला H
ये वाला एच, उधर वाला एच, ये भी मतलब है ना सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एल्कीन का फॉर्मेशन है विद वुड्स रिएक्शन हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि एल्केन में होता है, लेकिन इसको हम लोग एक्सटेंशन बोल सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, है ना। ये एच जो है वो दूसरे एच, ये वाला सी एच जो है दूसरे वाले सी एच से डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ओवरऑल अब इस रिएक्शन को आप लोग करके भी देख सकते हैं, ये एक्सटेंशन माना जाएगा, वुड्स रिएक्शन नहीं, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये ध्यान रखेंगे, वर्ड यूज़ करना पड़ेगा आपको। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक एक्सेप्ट, ये तो सब कोई जानता है कि किसके अलावा। अब आप देखिएगा, देखो ये बेंजीन जानते हो, नेफ्थलीन जानते हो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन भी जानते हो भाई, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन में ये हो गया निगेटिव, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, लेकिन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएंगे, तो इसका आंसर फिर सी हो जाना चाहिए, सिंपल। तो अब हम लोग ज़रा चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं इस तरीके से, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा रहे हैं कदम। ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोब्यूटेन, अगर आइसोब्यूटेन का ऑक्सीडेशन करें तो पोटेशियम परमैंगनेट से, तो हमको मिलना क्या चाहिए वो हम आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आइसोब्यूटेन का जैसे ही करेंगे तो हमको एल्कोहल मिलना चाहिए, टर्सरी भाई आइसोब्यूटेन है ना, तो आइसोब्यूटेन का मतलब आप जान रहे हैं, ये हमने सी एच थ्री लिया, ये सी लिया, यहाँ भी सी एच थ्री लिया, यहाँ भी सी एच थ्री लिया, और ये एच, ये तो आइसोब्यूटेन हुआ। इसका जब ऑक्सीडेशन केमन फोर से करेंगे तो यहाँ पर ओ आ जाएगा, मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा, यानी कि ब्यूटेनॉल, ये वाला बी ऑप्शन इसमें लगाएंगे हम लोग, टर्सरी ब्यूटेनॉल, इस तरीके से यही ऑप्शन लगेगा पाँचवें का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिएगा ज़रूर आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पन्ने पे पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको बताते जरूर रहिएगा कि नहीं सर क्वेश्चन कैसे हैं, अगर इससे भी ऊपर जाना चाहते तो हम इससे भी ऊपर आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे 100%। अपना तरीका आप हमें सुझाते रहिएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फायर डैम, फायर डैम आप देखेंगे कोल माइंस में जब जाते हैं, है ना, तो कोल माइंस में मीथेन गैस जो होती है वो फायर डैम एक्सप्लोड करती है जब एयर की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर फिर मीथेन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फायर डैम में जो है मीथेन गैस काम करती है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और द डिहाइड्रेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेनॉल विद कंसनट्रेटेड H2SO4। आप जानते हैं ना कंसनट्रेटेड H2SO4 जब भी डिहाइड्रेट होता है, सॉरी कंसनट्रेटेड H2SO4 से जब भी अल्कोहल डिहाइड्रेट होता है तो आप जानते हैं एल्कीन बनता है। लेकिन मेथड क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा इसका, देखिए एल्कीन में ऑप्शन पेंटीन दिया हुआ है, टू मिथाइल ब्यूटूइन दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट, और टू मिथाइल ब्यूटीन दिया हुआ है मेजर प्रोडक्ट, और पेंटूइन दिया है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार बनेगा क्या, ऑप्शन निकालने का तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा, वो लोग वो चीज़ जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने करना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को वही बनाना है टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं, टू मिथाइल ब्यूटेनॉल कर लेते हैं, इसे बनाते हैं। ये बन गया हमारा टू मिथाइल ब्यूटेनॉल, सी एच थ्री सी एच टू, उसके बाद सी एच हो गया, और आपका ये सी एच थ्री हो गया, और ये आपका सी एच टू ओ एच। ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा, ये टू मिथाइल ब्यूटेनॉल मैंने लिया है, और इस टू मिथाइल ब्यूटेनॉल को हमने करना क्या है कि इसको हमने डिहाइड्रेट कराना है। तो एच पॉजिटिव आयन मतलब एच टू एस ओ फोर आपने डाला ही है, तो वाटर निकल जाएगा, एच टू आप जानते हैं यहाँ पर एच जुड़ेगा इस तरीके से, पॉजिटिव बनेगा, ये रिलीज आप जान रहे हैं, मैकेनिज्म जान रहे हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सी एच थ्री लिया, यहाँ सी एच टू बना, यहाँ सी एच है, और नीचे आपका सी एच थ्री है, और आगे आपका ये सी एच टू पॉजिटिव। अब ये रीअरेंज करेगा अपने आप को, और जैसे ये रीअरेंज करेगा तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, और हाइड्रोजन शिफ्ट जब होगा तो ये 3 डिग्री का कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये कंपाउंड अब कन्वर्ट हो जाएगा आपका सी एच थ्री सी एच टू सी, यहाँ पर नीचे सी एच थ्री, यहाँ पर आपका सी एच थ्री, और ये बन गया। अब ये क्या करेगा, इसमें से H पॉजिटिव रिलीज होगा, यानी कि डी प्रोटोनेशन, पहले प्रोटोनेशन मैंने कि पहले H पॉजिटिव ऐड किया, प्रोटोनेशन किया, फिर डी प्रोटोनेशन, यानी प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन जो प्रोसेस यहाँ पर हुआ, जैसे ही H रिलीज होगा यहाँ पर बॉन्ड डबल आ जाएगा, और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड वहाँ पर आएगा जो विद द एल्कीन विच इज़ फॉर्म्ड विच इज़ मोर एल्काइलेटेड, जो आपने सुना था कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर ज़्यादा आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड आप मेरा पेन देख रहे हैं, जहाँ मैं गोला बना रहा हूँ यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो अब ये जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ सी, नीचे सी एच थ्री लटका दीजिए, और आगे आपका सी एच थ्री, ये बन गया टू मिथाइल ब्यूट टू इन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो आंसर में हम लोग
टू मिथाइल ब्यूट टू इन ही लगाएंगे, देख लेते हैं। टू मिथाइल ब्यूट टू इन यानी कि सी ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं। सॉरी कहाँ पर पहुँच गए, यानी कि सेवेंथ वाला क्वेश्चन है ना, टू मिथाइल ब्यूट टू इन यानी बी वाला ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं। अब हमने अब क्वेश्चन ने पूछा एट्थ वाला क्वेश्चन क्या है, नियोपेंटाइल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नियोपेंटाइल अल्कोहल जब H2SO4 से, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से बनाइएगा। और ये क्वेश्चन मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसमें से ऑप्शन इतना बताइएगा। मैंने यहाँ पर सी टिक कर दिया, ये गलत हो गया है। टू मिथाइल ब्यूटीन वो ऊपर वाले का आंसर था, टू मिथाइल ब्यूटीन इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर मैं आपको इसकी PDF भी लगाऊंगा, लेकिन PDF एक दिन बाद लगाऊंगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आंसर भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इस क्वेश्चन एट्थ वाले को करिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे इसलिए छोड़ रहा हूँ, और कोई बात नहीं। इन क्लोरोबेंजीन द Cl ग्रुप, ये क्लोरोबेंजीन में जो Cl ग्रुप होता है भाई साहब, आपको बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन को एक्टिवेट करता है ना। तो एक्टिवेट, डीएक्टिवेट तो हटा ही देते हैं, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग वाया रेजोनेंस इफेक्ट देन डीएक्टिवेटिंग वाया, नहीं सी आते हैं ऑप्शन पे, एक्टिवेट बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट, डीएक्टिवेट इट्स बाय इंडक्टिव इफेक्ट, बोथ दीज इफेक्ट आर इवनली मैच्ड, यानी इसका फिर आंसर होना क्या चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन यानी कि आपको ये बताना चाह रहा कि क्लोरीन में जो Cl ग्रुप होता है उसका आखिरकार इफेक्ट क्या होता है, वो चीज़ आपको बतानी। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि Cl एक तो एक्टिवेट करता है बेंजीन को, तो एक लाइन तो ये ढूंढ लेते हैं, डीएक्टिवेट वाला तो काट ही देते हैं, मतलब ही खत्म हो गया। एक्टिवेट द बेंजीन रिंग, और यहाँ पर भी एक्टिवेट द बेंजीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये तो समझ में आ रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। देन द डीएक्टिवेटिंग इट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, डीएक्टिवेट बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी बात सही है। बोथ दीज इफेक्ट आर इवनली मैच्ड, यानी कि दोनों इफेक्ट जो हैं बराबर से मैच करते हैं, यानी कि मुझे तो ऑप्शन ज़्यादा बेटर, यानी कि डिक्रीजिंग बाया यहीं पर आ जाके ख़त्म नहीं होगा, ये सेंटेंस मतलब सी तक जाना चाहिए। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि क्लोरीन बेंजीन को एक्टिवेट किया है, तो ये तो प्लस आर इफेक्ट हो गया, मतलब मीजोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट जो है लोन पेयर बेंजीन में जाएगा, ये भी आप जान रहे हैं। लेकिन क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो ज़्यादा होती है ना, तो माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पर क्रिएट होगा हल्का सा। सो मतलब ये है कि दोनों इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे, तो आंसर बेटर फिर सी ही लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन, सी पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइएगा। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फोटो ब्रोमिनेशन ऑफ टू मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि टू मिथाइल अगर ब्यूटेन लिया, इसका हमने फोटो ब्रोमिनेशन किया, तो आप जान रहे होंगे कि ब्रोमिनेशन पर वही फ्री रेडिकल तैयार होगा जिसमें ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। तो आप जानते हैं कि थ्री डिग्री का फ्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टू ब्रोमो बना करके देखते हैं। टू ब्रोमो तो लग ही जाएगा, फिलहाल इसको हम लोग बना करके देख लेते हैं, बन जाएगा, इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। मेथड वही है, आप जान रहे होंगे कि हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। सिंपल सा ये कंपाउंड हमने लिया, ये कंपाउंड हमारे पास है, CH3 लिया हमने, CH लिया, यहाँ पर हमने CH3 लिखा, और यहाँ पर हमने CH2 लिखा, और यहाँ CH3 लिखा। इसका हमने ब्रोमिनेशन कराया, Br2 से कराया, और सनलाइट की प्रेजेंस में कराया, तो HBr यहाँ तो निकलना ही, तो ये वाला H जो है ये रिलीज़ कराइए, और जैसे ही H रिलीज़ होगा तो CH3 यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, मतलब उसको ये नहीं कि आप मतलब इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये 3 डिग्री का, अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल बनाएंगे तो 3 डिग्री का फ्री रेडिकल तैयार होगा, और वही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी आपके अपने व्यूज़ हो सकते हैं। तो सिंपल सा टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए, मतलब 10 का आंसर जो होना चाहिए वो टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन डी होना चाहिए, टू ब्रोमो टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद 11th पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रीडली सल्फोनेटेड। तो रीडली सल्फोनेटेड में आप जानते हैं कि ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, मेटाजाइलिन, तीन जाइलिन होते हैं, तीन में सबसे ज़्यादा ईजिली सल्फोन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन सो करेगा। अब मैं ये क्वेश्चन भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ऊपर 8th वाला छोड़ा था शायद, मुझे याद है, और क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें लगाइएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि आर्थोमेटा पैरा की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की तरफ, उसको देखिएगा, उससे आप अनुमान लगाएंगे कि कौन ईजिली सल्फोनेटेड हो जाएगा। तो ये तरीका है इसके निकालने का, आंसर मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आप आंसर इसका मुझे बताएंगे कि कौन सा होगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ द सेम रेट ये तो नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब तीन में से ऑप्शन आप लोग लगाइएगा, यानी कि एक ऑप्शन मैंने घटा दिया,
चलिए बारहवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बारहवां क्वेश्चन कहता है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव द मेटा नाइट्रो और नाइट्रोजन। हर कोई मेटा देगा, फिनॉल है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, बाकी सब मेटा डायरेक्टिंग है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि फिनॉल जो है वो ये कंपाउंड एंड मतलब मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट नहीं देगा, बाकी सब मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सिंपल सा है कि इसका आंसर जो होना चाहिए, फिर ट्वेल्थ वाले का आंसर जो होना चाहिए वो फिर डी होना चाहिए, डी लगा दीजिएगा, क्योंकि वो आप जान रहे होंगे मेटा डायरेक्टिंग और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंसेप्ट पे चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएगा, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, और ये क्वेश्चन आपने देखा था हमारे पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन भी था, 2021 भी मैं इसके आगे लिखूंगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन मिल गया। देखिए यही क्वेश्चन था, यही लैंग्वेज थी, और आपने क्वेश्चन भी अगर आप लोग पीजीटी का पेपर दिए हैं तो देखे होंगे ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये आपने देखा था क्वेश्चन, है ना। एन ओ एच निगेटिव भाई, एन ओ टू बनता है पॉजिटिव, ओ एच निकल जाता है, तो ये बेस की तरह है, यही क्वेश्चन ही यही रखा गया था, आप नोटिस करिएगा। देखिए ये बुक मेरे पास में है, क्वेश्चन सेम था, डिट्टो था, हमें लगता है कि क्वेश्चन यहीं इसी बुक से उठाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, विच ऑफ द कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। भाई कार्बोकैटायन वही तो ज़्यादा स्टेबल होगा जहाँ पर रिपल्सन मिनिमम हो जाए। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम NO2 ग्रुप को देखते हैं तो NO2 में इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, बना लेते हैं थोड़ा सा, आपको मैं समझाने की कोशिश भी करूँगा यहाँ पर। पहले मैं बनाता हूँ इसको, और बनाने के बाद जो है वो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले करना क्या कि NO2 को मैं बताना चाह रहा हूँ, बस बाकी आप समझ जाएंगे। ये मैंने O बना दिया, ये मैंने इस तरीके से, अब ये बॉन्ड अगर इधर घूमेगा तो अंदर इस तरीके से अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये है, तो अगर ये बॉन्ड इधर घूमा तो ये पॉजिटिव इधर जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब इस वाले पॉजिटिव से दूरी, जो बेंजीन रिंग का पॉजिटिव है उसकी दूरी देखेंगे, जहाँ ज़्यादा आएगी तो आप देखिएगा इसमें ज़्यादा दूरी, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव है और इनमें मिनिमम रिपल्सन हो जाएगा। जब मिनिमम रिपल्सन होगा मतलब है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फिर इसी में बनना चाहिए। तो 14 वाले का आंसर भी फिर मैं डी ही लगाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कंपाउंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, और ये 15 कंपाउंड मतलब ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। AlCl3 के प्रेजेंस में जब इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे तो होना क्या चाहिए। देखिए क्या होता है कि ये आपको लगता होगा ये इस तरीके से, मुझे जो लग रहा है कि AlCl3 से जो ये Cl रिएक्शन करेगा यहाँ से, है ना, अब ये जो Cl रिएक्शन करेगा ये जाएगा किस फॉर्म में जाएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, और जब नेगेटिव फॉर्म में जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा यहाँ से ये वाला हिस्सा पॉजिटिव होगा, और जब ये पॉजिटिव होगा तो फिर इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन यहाँ तैयार होगा, और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन जब तैयार होगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आंसर मोस्ट प्रोबेबिलिटी, देखो ये तो पॉसिबिलिटी इसमें कहीं से कहीं तक है नहीं, और ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री जो स्टेबलाइज है, यहाँ पर जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है इसके चारों तरफ 3 डिग्री में स्टेबलाइजेशन आ रहा है सी वाले में ऑप्शन में, वो पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं क्योंकि Cl यहाँ पर जो Cl रिलीज होगा ये पड़ोस वाले पे पॉजिटिव क्रिएट करेगा ना कि नेक्स्ट वाले पे। तो जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट जो बनने के चांस है वो मुझे ए के लग रहे हैं, और यहीं पर ए होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, नन ऑफ द अबव तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो ऑप्शन यही है कि भाई ऑप्शन सबसे बढ़िया क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए, ए का लगाइएगा। फिर भी आप अपना व्यू जरूर रखिएगा इस पर कि क्या होना चाहिए, मुझे तो ए आंसर एग्जैक्ट इसका लग रहा है, और आंसर मैं ए ही लिखूंगा। आप लोग अपना ऑप्शन मुझे दीजिएगा कि सर इसमें क्या हो सकता है, मुझे यही लग रहा है। 16 पे आइएगा, द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एल्केन मॉलिक्यूलर फार्मूला सीएटेड गिव ओनली वन प्रोडक्ट। तो भाई वन प्रोडक्ट तो तभी बन सकते हैं ना जब सिंपली हम चारों तरफ एक सा ग्रुप लगा दें, है ना। तो जब एक सा ग्रुप लगाएंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी कि चारों तरफ एक सा ग्रुप लगे तो सिंपल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है वो ज़रा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसे बनाएं, वो 8 नहीं हो रहा था, अब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर CH3 लगा दें, यहाँ पर CH3 लगा दें, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, चारों तरफ CH3 ग्रुप लगा देते इस तरीके से। अब आप मेरी राइटिंग पर ना जाइएगा, यहाँ CH3 लगा हुआ, ये समय ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, मतलब है कि 2, 2, 3, 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन होना चाहिए, यानी कि आंसर फिर इसका
सी जाना चाहिए इस तरीके से 2.2, 3.3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 17 पे आ जाते हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक्सेप्ट, कौन नहीं देता, तो मुझे ये पता है ये कंपाउंड ऐसा है जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। तो ये बढ़िया से क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे। अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। आपकी डिमांड थी कि सर क्वेश्चन सही रहें, मैंने क्वेश्चन को अच्छा करने की कोशिश की है, आपको कैसे लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश यही है मेरी कि ये क्वेश्चन आप तक बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पहुंच सके, है ना, ये आप जान रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन गिव्स, ब्रोमिनेशन ऑफ एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन का जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 1-bromobutane, 2-bromobutane। अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 2-bromobutane जो है वो ज़्यादा मतलब अमाउंट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा 2-bromo। इसकी मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जान रहे होंगे बनेंगे तो दोनों, लेकिन परसेंटेज जो होगी 2-bromobutane की ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन का नंबर ज़्यादा इसी में आएगा, बन पे नहीं आएगा। ये आपको रूल भी पता होगा शायद, मुझे जहाँ तक अनुमान है आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में भी ये पढ़ा होगा और एल्कीन में भी ये पढ़ा होगा। 19 पे आ जाते हैं हम लोग। 19 पे C2H5CuOONa लिया, इसे हीट किया, एक्स बना, एक्स में एक्चुअल में होगा क्या, इसमें C2H5 लिया मैंने, C2H5 लिया, ये C2H5 नेगेटिव बनेगा और ये C2H5 नेगेटिव के दो मॉलिक्यूल जब आपस में मतलब डिसप्रोपोर्शनेट होंगे, है ना, तो जो कंपाउंड बनना चाहिए वो दोनों होना चाहिए, C2H4 और C2H6 बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड व्हेन बेंजीन, जूम कर देता हूँ, व्हेन बेंजीन फॉर्म्स व्हेन इट इज रिएक्ट विद डाइक्लोरोमीथेन, जब डाइक्लोरोमीथेन से रिएक्शन करती, तो सिंपल सी बात है NHCl3 भी आपके सामने लिखा हुआ है, दो कंपाउंड डाइक्लोरोमीथेन यानी कि रिएक्ट्स विद डाइक्लोरोमीथेन, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि दो बेंजीन सामने रखें, है ना, तो यानी कि CH2 वहाँ से निकालना, वो दो NaCl वहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से फिर डी ऑप्शन आ जाना चाहिए, यानी कि 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि अगर आपने बेंजीन लिया और एक तरफ आपने वो डाइक्लोरोमीथेन लिया, CH2Cl2 लगाए, इधर भी बेंजीन लगाया, तो HCl दोनों निकाल दीजिए क्योंकि NHCl3 है, तो वही यही कंपाउंड आएगा, डी ही आएगा पक्का, ठीक है ना। 21 पे चले जाते हैं। 21 बहुत ही बढ़िया यार क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन मज़ा आ गया बिल्कुल देख करके, ज़रा पढ़ लीजिए एक बार कि द एडिशन ऑफ 41.2 मिलीग्राम ऑफ अननोन एल्कोहल ROH टू द CH3MgI रिलीज इतने ml ऑफ द गैस। पहले क्या करना है कि रिएक्शन बना करके देख लेते हैं कि रिएक्शन आखिरकार होनी क्या चाहिए। तो आप जान रहे होंगे, अच्छे से जान रहे होंगे कि जब भी एल्कोहल रिएक्शन करता है किससे करता है, CH3MgI से करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन मतलब CH4 बनेगा, बाकी Mg यहाँ पर I आ गया और यहाँ पर OR बन जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये CH4 है बच्चा, ये CH4 लिया है। अब करना क्या है कि हम लोगों को कि सिंपली ये देखना है कि आखिरकार इसके कितने मोल्स बनने चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूँ फिर समझता हूँ कि इतने 1.56 ml गैस रिलीज़ कर दी, ठीक है, तो 1.56 ml यानी सिंपल सा मैं ये करूँगा कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल हमने अगर ROH लिया है तो इसका मतलब है कि एक मोल ही मीथेन बनी, सिंपल दिख रहा है, यानी 22.4 लीटर इज इक्वल टू 1 मोल हो गया, सिंपल समझ में आया होगा आपको। तो हम ये कहें कि 1.56 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर दें, 10^-3 अगर लीटर ले लें तो बन जाएगा 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.56 × 10^-3, इतना कर लीजिए। इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 6.96 × 10^-5, चेक करके देखिएगा, ये हमारा आ गया। अब हमें फार्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना, एन इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास। अब हमें मोलर मास पता करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम ये बना ही चुके हैं यहाँ पर, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना मास दिया है, 4.12 मिलीग्राम है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, -3 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 6.96 मल्टीप्लाइड बाई 10^-5।
ये आंसर निकालिएगा। ये आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 59 पॉइंट समथिंग आएगा, और 59.1 आ रहा है मेरा, तो 59.1 आ रहा है। तो अब आप चेक करिएगा इसमें आंसर 59 दिया है या नहीं, 59 ग्राम दिया है तो वही यही आंसर आना चाहिए, एक बार आप भी चेक करेंगे। 22 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको लगाइएगा ज़रूर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई साहब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि ये बेंजीन में जुड़ना है, तो हम ये बताएं कि जब H2SO4 टूटेगा, एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बना देगा, और आइसोब्यूटीन आप समझ ही रहे होंगे आइसोब्यूटीन क्या होता है, वो मैं आपको बताने की भी कोशिश करता हूँ कि भाई आइसोब्यूटीन बता दूं पहले आपको, नहीं कहेंगे पता नहीं, कुछ लोग तो कहते हैं सर को आता ही नहीं कुछ, चलो होगा, बताता हूँ आपको क्या बनेगा। आइसोब्यूटीन यानी कि CH3C और यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आइसोब्यूटीन। इस पर हम लोग H पॉजिटिव जोड़ेंगे ना, जब H पॉजिटिव जोड़ेंगे तो आप जान रहे होंगे कि भाई सबसे पहले ये नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर CH3 ये नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो ये सिंपल सा कंपाउंड हो गया आपका C, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव, ये कंपाउंड बना है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जो H पॉजिटिव जोड़ा वो सिंपल सा यहाँ पर यानी 3 डिग्री का कार्बोकैटाइन हमने बना दिया। तो अगर हम देखें आंसर में क्या दिया है इसमें कि 3 डिग्री का कार्बोकैटाइन बनाने के बाद आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, 22वें का आंसर जो मिल जाना चाहिए वो आप बताइए। 3 डिग्री का कार्बोकैटाइन कहाँ पर जुड़ रहा है, दिमाग लगा दीजिए जरा भैया, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए तो मेरी भी मदद, मुझे भी मदद मिल जाएगी है ना। ये 3 डिग्री का कार्बोकैटाइन मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे है ना, 3 डिग्री का कार्बोकैटाइन वहीं पर जुड़ रहा है और कहीं तो जुड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब 22वें का फिर मैं बी लगाऊँ। आप भी एक बार इसे चेक करिएगा, बी ही लगेगा, 100% बी लगेगा, ऑप्शन में बी ही लिखूँगा, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। 23rd पे जाइएगा, 23rd होता क्या है, द कंपाउंड एक्सेस एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कंपाउंड एक्स क्या होगा, तो आपको लगना चाहिए इसमें क्या आंसर आएगा, दिमाग थोड़ा सा दौड़ा लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। जब भी इस टाइप के कंपाउंड होते हैं इनका हम लोग जैसे के पॉजिटिव, इधर भी के पॉजिटिव है, यानी कि इसको हम लोग आपस में ज्वाइंट करें, और ये कितने 4 हैं और यहाँ पर CO2 निकल गई, यानी कि ये भी गया, तो ये चारों आपस में जुड़ेंगे, साइक्लोब्यूटेन, इसका मतलब है साइक्लोब्यूटेन कंपाउंड बनना चाहिए, मेरे अनुमान से तो साइक्लोब्यूटेन ही बनना चाहिए, तो मैं तो फिलहाल साइक्लोब्यूटेन ही लगा रहा हूँ, 23rd का साइक्लोब्यूटेन ही आंसर आना चाहिए है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रूर लगाइएगा साइक्लोब्यूटेन वाले को, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द इसकी ज़रूरत तो नहीं बताने की रिएक्शन 23rd की, मतलब अगर ऐसा ना समझें आप, आपने वो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ी होगी ना, उसमें वही चीज़ है ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कंपाउंड ये बनेगा ना, सिंपल सा आपको बता देना चाह रहा हूँ, CH2 इस तरीके से बनेगा ना, तो ये कंपाउंड बनेगा और ये यहाँ से जोड़ेंगे आप, तो ये इस तरीके के कंपाउंड तैयार हो जाएंगे, तो साइक्लोब्यूटेन एन ब्यूटेन तो नहीं आएगा, साइक्लोब्यूटेन ही आएगा, नॉर्मल ब्यूटेन तो यहाँ नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी रिंग टुवर्ड्स मोनोब्रोमिनेशन, मोनोब्रोमिनेशन के अगेंस्ट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो 24वां क्वेश्चन है इसमें ब्रोमिनेशन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगेंस्ट होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो बढ़ाने वाला ग्रुप होता है वो प्लस आर ग्रुप होता है, और ये माइनस आर हैं, ये दोनों माइनस आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों में भी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि NO2 ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है एज़ कम्पेयर टू COOH2। तो इस हिसाब से अगर हम लोग 24 का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, यानी कि सबसे पहले नंबर पे तो मिथाइल वाला आना चाहिए, यानी कि सबसे पहले नंबर पे मिथाइल, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बेंजीन रख देते हैं, यानी कि फर्स्ट थर्ड में ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड, ये बी ऑप्शन फर्स्ट थर्ड मिल गया, उसके बाद ये हमने बता ही दिया कि NO2 ज़्यादा डीएक्टिवेट करता है तो COOH ऑप्शन उसके बाद, और लास्ट में NO2 हो जाएगा, तो इसका मीनिंग फिर बी ऑप्शन ही आएगा, ठीक है। 25th में आ जाइएगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इथेन बाय द कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, जो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो हम बनाते हैं इथेन बनाते हैं, यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड्स द pH ऑफ इलेक्ट्रोड, pH इलेक्ट्रोड की क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, तो pH ऑब्वियसली बात है कि NaOH बन रहा है यार, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने देखा होगा NaOH बनता है, और जब NaOH बनेगा तो pH वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, सिंपली सी बात है, प्रोसीड करनी चाहिए,
ज़्यादा नहीं, इसमें आप दिमाग लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से, ज़रा सोचिए और बताइए हमें कि स्टेटमेंट कौन सा बढ़िया है इसमें। यानी कि दो ये दिया है, ठीक है, फर्स्ट इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंड, पहला ज़्यादा स्टेबल है सेकेंड से, यानी उसके बाद दूसरा दिया है कि सेकेंड इज़ लेस स्टेबल देन बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया हुआ है कि सेकेंड इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये तो बात नहीं समझ में आई कुछ। सेकेंड मोर स्टेबल तो यही है, तो पक्का है ये मोर स्टेबल, लेकिन रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। सेकेंड इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट बिकॉज ईच एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस है, सी एस थ्री वैलेंस लिए, वैलेंस यहाँ देखें यहाँ 8 है, सीक है कार्बन में देखें 1 2 3 4 5 3 3 6 7 8, ठीक है ऑक्सीजन में 3 3 6 2 8, बेटर आंसर फिर यही होगा डी, यानी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आप चेक करके देखिए, मतलब सेकंड स्टेबल है, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन जो बेटर है तरीका है कंसेप्ट है वो मेरे हिसाब से फिर यही आना चाहिए। 27वें क्वेश्चन पे आते हैं, द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम ज्वाइन डायरेक्टली टू द बेंजीन आर कॉल्ड, देखिए बेंजल तो कहलाता नहीं, बेंजलिक भी नहीं कहलाता, बेंजाइल भी नहीं कहलाता, डायरेक्ट अटैच है ना, तो फिर एक ही बात पता, बेंजोटिक हाइड्रोजन कहलाता है। जैसे कि बेंजोटिक का मतलब बेंजीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सिंपल। अब हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे पहुंच लेते हैं, क्वेश्चन आपके लिए मैंने भरपूर इस वीडियो में दिए हैं, अब आप लगाइएगा और बताइएगा कि भाई क्या क्राइटेरिया है इन क्वेश्चंस का, अगर आपको अच्छे लगे तो हाँ करिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, आपका समझदारी आपके हाथ में है। 28th क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरिनोलिसिस, फिर एक बार जूम कर देता हूँ, क्लोरिनोलिसिस, क्लोरिनोलिसिस का मतलब ही सिंपल यही होता है कि जहाँ क्लोरीन कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ दे, ठीक है, और अपने आप का बॉन्ड सेटअप कर ले, तो जहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटे और अपना बॉन्ड सेटअप हो जाए उसमें आंसर फिर मुझे डी ही दिखाई दे रहा है, तो मैं 28 का डी ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने अपना बीच का बॉन्ड तोड़ के अपना सीएल वहाँ पर बैठ गया है जाकर के। 29 में इन द रिएक्शन ऑफ पहला पैरा क्लोरोटोलिन विद के, अरे वाह बेंजाइन आ गया भाई यहाँ पर, के एन एच टू आ गया, लिक्विड अमोनिया, बेंजाइन 100% द मेजर प्रोडक्ट, तो रिएक्शन ऑफ पैराक्लोरोटोलिन, तो इसका मतलब है 29 का जो आंसर आना चाहिए जनाब, 29 का आंसर फिर मेरे हिसाब से मेटाटोलिडीन बनना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें मेटाटोलिडीन ही आना चाहिए। अब क्यों आएगी मेटाटोलिडीन ये थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, इसका आंसर कन्फ्यूजन ना रह जाए आपके मन में। ये हमने लिया, ये कंपाउंड हमने लिया CH3 और ये हमने लिया Cl, ये आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को देख लें, इन द रिएक्शन ऑफ पैराक्लोरोटोलिन बना दिया, जब हमने इसका रिएक्शन KNH2 से कराया तो सिंपल सी बात ये होगी कि कंपाउंड हमारा जो तैयार होगा वो कंपाउंड क्या तैयार होगा वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा हमने बॉन्डिंग गलत लिखी है, पर बॉन्डिंग थोड़ी सही कर लेता हूँ, बॉन्डिंग क्योंकि मैं मेटा पोजीशन को इंडिकेट करने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए मैं वही बॉन्डिंग ही पहले से बनाऊं जिससे कि आपको तकलीफ़ ना हो। ऐसे हमने CH3 लिखा, यहाँ Cl लिखा, इसको मैंने KNH2 से रिएक्शन कराया, और जैसे ही रिएक्शन कराया कंपाउंड जो बनना चाहिए वो ये कंपाउंड बनना चाहिए, मेरे हिसाब से ये कंपाउंड आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ये कंपाउंड आया। अब इस कंपाउंड का क्या करना है कि ये कंपाउंड जब अरेंज करेगा अपने आप को, रीअरेंज करेगा, बेंजाइन बना है ना, ये रीअरेंज करेगा तो फिर इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, भाई आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, तो यहीं पर NH2 ग्रुप लगना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से ये जो कंडीशन आनी चाहिए वो मेटाटोलिडीन पे ही आएगी, क्योंकि ये हो गई आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ये भी मेटा, ये भी मेटा, ये पैरा, तो फिर मेटा पोजीशन यही हुई, यहीं पर अटैक होना चाहिए। तो आप भी देखिएगा इसको, मैंने फ़िलहाल अपना तरीका जो लगाया वो यही लगाया कि भाई यहाँ पर बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा और ये पैराक्लोरो नहीं बनेगा, मेटाटोलिडीन ही बनना चाहिए। 30 पे आइएगा, मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विद द जिंक, मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विद द जिंक इन द क्लोज ट्यूब में जब हम लोग इसे गर्म करते हैं तो फिर कंपाउंड क्या बनना चाहिए, तो जनाब कंपाउंड जो है फिर वो मिथाइल ब्रोमाइड है, सिंपल, और जिंक है तो आपको पता है ZnBr2 निकलेगा, और ZnBr2 तभी निकल पाएगा जब दो CH3Br लिए जाएंगे, तो इसका मतलब इथेन कंपाउंड बनेगा। 31 द कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, जो कंपाउंड एक्स है वो फॉलोइंग रिएक्शन में क्या होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपने खूब किया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अगर ये एसिटाइलिन होता तो एसिटाइल डिहाइड बन जाता, लेकिन ये
जैसे अगर हम बेंजीन की जगह एल्काइल या एराइल ग्रुप थोड़ी मान ले, तो सीओ यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर सीओ लग जाना चाहिए, तो वो सीओ जो है केवल यहीं पर आ रहा है कि एसिड कीटोन टाइप का कंपाउंड बनता है, आपने पढ़ा होगा, तो फिर आंसर इसका बी ही लगाना चाहिए। 32 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड ऑन कन्वर्जन इंटू ग्रिगनार्ड एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड ऑन कन्वर्जन इंटू ग्रिगनार्ड एजेंट फॉलोड बाई ट्रीटमेंट विद वाटर वुड ईल्ड टू मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसा कौन सा एल्काइल हैलाइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइड, हाँ ठीक है, हैलाइड ऑन कन्वर्जन टू, ठीक है, वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया गया, टू मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए। तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन ही करा के देख लेना सिंपल कि कौन सा कंपाउंड होना चाहिए टू मिथाइल ब्यूटेन बन जाए। चलो देखते हैं टू मिथाइल ब्यूटेन होता क्या, पहले तो हम ये देखते हैं, उल्टा चलेंगे ना, CH3 CH 3 CH 2 और CH3, ये हो गया आपका टू मिथाइल ब्यूटेन, है ना। ये टू मिथाइल ब्यूटेन भैया तभी बन सकता है जब हम लोग यहाँ पर Cl लगा हो, यानी ऐसा कौन सा कंपाउंड, इसका मतलब है कि सिंपल सा हम ये कहें कि ये H हटाएं और यहाँ पर Cl जोड़ दें, ये। अब इसमें हम जब मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएंगे, ग्रिगनार्ड एजेंट बनाएं, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराएं, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C, नीचे आपका CH3 और यहाँ पर MgI या Br जो भी चाहें लगा लीजिए, बाकी सेम सेम कर लीजिए, तो इसको हाँ ठीक है, फिर यही कंपाउंड आएगा भाई साहब, टू मिथाइल ब्यूटेन ही आंसर आएगा, 100% आएगा, चेक करिएगा इसमें आंसर, एक बार आप पूरी रिएक्शन ट्राई मारिएगा। मैंने आपको हिंट दिया टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन है ना, तो आंसर फिर हम लोग 32 का टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन लगा लें, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, टू क्लोरो कौन सा मिथाइल था, 1 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आना चाहिए ना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आना चाहिए, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन बी ऑप्शन आ रहा है, 1 क्लोरो आ रहा है वहाँ पर, लेकिन बी ऑप्शन में तो 1 क्लोरो दिया हुआ है, तो अब ये भी एक समस्या हो गई, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ए ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार पूरा क्वेश्चन चेक करता हूँ कि इसमें 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन भी दिया है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन भी दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड ऑन कन्वर्जन इनटू ग्रिगनार्ड एजेंट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट वाटर इल टू मिथाइल ब्यूटेन बनना चाहिए, टू मिथाइल ब्यूटेन बन जाना चाहिए, तो टू मिथाइल ब्यूटेन बनने का मतलब हुआ, करते हैं क्वेश्चन दोबारा लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे आंसर में, 1 क्लोरो 2 क्लोरो में कन्फ्यूज़न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लगाते हैं दोबारा लगाते हैं, इससे पहले मिटा लेते हैं, आप आराम से टेंशन फ्री होकर बैठिए। देखिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले कंपाउंड लिया है, जो बनाना कंपाउंड है, जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH2 CH3, ये टू मिथाइल ब्यूटेन ये हमें बनाना है कंपाउंड, ठीक है ना। अब इसे बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसे बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड लें हम, अगर हम ये कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH CH3, यहाँ हमने CH3 लगा लिया, यहाँ पर हमने मान लेते हैं Cl, थोड़ी देर के लिए गलती करते हैं, CH2 और CH3 लगा लेते हैं। इसमें अगर हम रिएक्शन Mg की कराएंगे, जब मैग्नीशियम की कराएंगे रिएक्शन, तो बनेगा CH3, नीचे CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर आपका CH2 CH3 और ऊपर आ जाएगा MgCl, ठीक है, MgCl आ गया। MgCl जब आ गया तो अब इसका हमने वाटर से जब रिएक्शन कराया तो H यहीं पर आएगा, तो भाई साहब फिर वही 2 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही आएगा, ठीक है, डन है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ए ऑप्शन लगाइएगा, 1 क्लोरो नहीं आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन आना चाहिए, ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लिए कहीं मुझसे डाउट हो गया हो। 33 पे आ जाइएगा कि हाउ मैनी आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स हैविंग द फार्मूला C6H13Br ऑन कन्वर्जन टू ग्रिगनार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद वाटर इल्ड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप ही लगाइएगा, इसी मेथड पे दोनों क्वेश्चन है, पहले वाले का अगर आंसर ये है तो दूसरे वाले का भी आप निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, आप उसको भी चेक करिएगा जो मैंने बताया है, 30 उसको आप ऐसा ना छोड़िएगा नहीं। 34 पे कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर की गई है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन, और जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए कौन सा ट्रू है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि 34 वाले में
34 वाले में जो है कंपाउंड ए एंड बी आर फॉर्म नियरली इक्वल अमाउंट्स, इक्वल अमाउंट में बनेंगे। ठीक है, देखते हैं। कंपाउंड ए इज़ फॉर्म्ड मच लार्जर देन प्रोपोर्शन, मुझे मेरे हिसाब से बी ज़्यादा बनना चाहिए। कंपाउंड बी इज़ फॉर्म्ड इन मच लार्जर देन यहीं बी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं ना, 3 डिग्री का कार्बोकटायन दिखाई दे रहा है जो ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर 34 का ऑप्शन सी ही लगाइएगा क्योंकि ज़्यादा बनेगा, वो सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाइएस्ट हीट ऑफ कम्बस्चन, जिसमें हाइएस्ट हीट ऑफ कम्बस्चन होगी वो कंपाउंड कौन सा होगा। तो जनाब मैं आपको बता दूँ कि कार्बन का नंबर जहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी कि C10H22 दिया हुआ है ना, C10H22, हाँ कार्बन का नंबर जहाँ पर ज़्यादा, तो यही होगा, तो इसमें हीट ऑफ कम्बस्चन ज़्यादा। और इसमें एक चीज़ आपको और बता दें, हाइड्रोजन का नंबर भी ज़्यादा है, हाइड्रोजन का नंबर, कार्बन का नंबर तो ज़्यादा है ही, तो हाइड्रोजन एटम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हीट ऑफ कम्बस्चन निकलेगी वो हाइड्रोजन कार्बन की ब्रेकिंग से ही निकलेगी, तो यहीं पर होना चाहिए, यही आंसर डी लगाइएगा इसमें। 36 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग एल्कीन हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजनेशन, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो क्या होगा। तो ये आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जहाँ पर सिंपल सी कंसेप्ट इस यहाँ पर लगाइए कि हमेशा लीस्ट स्टेबल एल्कीन का, जो लीस्ट स्टेबल एल्कीन होते हैं हाइएस्ट मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, और अगर एल्कीन मतलब लीस्ट स्टेबल एल्कीन कौन होगा, ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी ना वहाँ पर, तो प्रोपीन तो होगा नहीं, ट्रांसब्यूटीन, यानी कि सिंपल सी बात यह है कि ये जल्दी टूटेगा, इथीन, इथीन जल्दी टूटना चाहिए। तो लीस्ट मतलब जो मुझे याद है कंसेप्ट, लीस्ट स्टेबल एल्कीन का ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है, यही कंसेप्ट लगेगा। और मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल हो जाते हैं, ये भी है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड तो ये हो जाएगा आपका, ब्यूटीन हो जाएगा ये वाला, तो फिर आंसर फिर मैं ए ही लगाऊंगा इसमें, है ना। ये कंसेप्ट है ना, लीस्ट, ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को, लीस्ट स्टेबल एल्कीन जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल, उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लग जाए। 37 पे आइएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन द एसिटाइलिन एंड बेंजीन इज़ कंपेरेबल टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोपाइन एंड, किसका रिलेशनशिप बताएंगे। तो ये आपको बता दें कि एसिटाइलिन को जब 3 मॉलिक्यूल मिलाए जाते हैं तो बेंजीन बन जाता है, आपने देखा होगा जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं, इसी तरीके से प्रोपाइन को जब रेड हॉट कॉपर में से पास करोगे तो फिर मैसिटाइलिन बन जाना चाहिए, ये वाला कंपाउंड सी आना चाहिए ऑप्शन में। और 38 में, द हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C6H12 ऑन ओजोनोलिसिस, C6H12 ऑन ओजोनोलिसिस गिव ओनली 1 कार्बोनाइल प्रोडक्ट विच डज़ नॉट रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन, तो भाई कीटोन होना चाहिए, सिंपल सी बात यह है कि वो कीटोन होना चाहिए, और कीटोन तभी बन पाएगा जब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हों, बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हो, यानी कि तभी कीटोन बनेगा ना, तभी ऐसे कैसे कीटोन बन जाएगा, देख लीजिए, आपको करके भी दिखाते हैं कि भाई ये कंपाउंड अगर आपने लिया, इस तरीके का कंपाउंड अगर आपने लिया है, तो अब ये दोनों चारों तरफ, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल, तो अभी ये कीटोन बनाएगा ना, तो ये फैलिंग को नहीं करेगा ना, तो 38 वाले में फिर आंसर आना चाहिए 1, 2, 3, 4 ब्यूटीन आना चाहिए, 1, 2 पे ब्यूटीन है, 2.3 डाइमिथाइल, यानी कि आंसर जो होना चाहिए 38 का फिर बी आ जाना चाहिए, 38 का आंसर फिर जो है बी आ जाना चाहिए, है ना। 39 द हाइड्रोकार्बन आप द C6, अभी ये सिंपल आप ही लगाइएगा। 39 में द हाइड्रोकार्बन फार्मूला बेंजीन है एंड डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, अच्छा बेंजीन नहीं, C6H6 है, बेंजीन है, इट ऑल्सो गिव द प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो C6H6 क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C6H6, ठीक है, एल्काइन होना चाहिए ना, ये सिंपल सा एल्काइन होना चाहिए ना, तो बन एल्काइन का मतलब हुआ कि C6H6, अगर इसका फार्मूला देखें तो इसका मतलब है CH CCH2 CH2 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 C
एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि अगर इस कंपाउंड को हम लें तो आप ज़रा देखें पढ़ें, हाइड्रोकार्बन हो गया ठीक, इट आल्सो गिव्स द प्रेसिपिटेट भी दे देगा, टर्मिनल होना चाहिए ना, ये भी कंडीशन है, टर्मिनल होना चाहिए, टर्मिनल टर्मिनल तो यही पॉसिबल है तभी दे पाएगा ये। तो वन कॉमा एक दो तीन चार पाँच, वन कॉमा फाइव हेक्साडाइन आना चाहिए, वन कॉमा फाइव हेक्साडाइन, यानी कि बी ऑप्शन आना चाहिए।
ठीक है, ये हो गया आपका। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन केवल 40 कराऊंगा, बाकी इनके आंसर जो है आप अपने आप लगाइएगा, 40 तक मैंने पहुंचाया आपको। इन द रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ जानते हैं कि Cl2 FeCl3 से रिएक्शन करेगा, FeCl3 से Cl2 रिएक्शन करेगा, तो ये यहाँ खींच के आएगा, बन जाएगा CFeCl4 नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो आंसर बी आना चाहिए। अब दोस्तों 41 क्वेश्चन आपके लिए, 42 क्वेश्चन भी आपके लिए, 43 क्वेश्चन भी आपके लिए, ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा भी दे रहा हूँ, ये 44 है नहीं, 44 पूरा नहीं आ रहा है फिलहाल, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, नहीं तो आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। 41 लगाइएगा, 42 भी आप लगाइएगा, 43 भी आप लगाइएगा, देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आप 44 क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है ना। 44 पूरा नहीं आया फिर भी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द फॉर गेटिंग अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन गुड यील्ड, पढ़ लिया होगा आपने, सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगाइएगा, अब आप जरूर बताइएगा कि मैंने जो आज आपको क्वेश्चंस कराए ये कैसे क्वेश्चंस लगे, इनमें क्या और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, क्या और आपकी डिमांड है, उसके हिसाब से भी मैं अपने आप भाई देखिए क्या कि हम दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग से ही इम्प्रूवमेंट करके क्वेश्चंस आपको कलेक्शन करके दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे PGT का जो पेपर था उस पेपर का लेवल बहुत ही हाई था, यानी ऐसा नहीं कि पेपर टफ था, थोड़ा सा क्या था कि हम जो नॉर्मल वैल्यूज़ लेकर चल रहे थे कि पिछला पेपर के अकॉर्डिंग पेपर बनेगा, वो नहीं बन पाया, पेपर हट के बना। तो यहाँ पर हालांकि UPSC का ये पेपर है और इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, तो हम लोग फिलहाल ऐसी तैयारी करें कि पेपर टफ आए तब भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ज़रूर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे कि हम लोग GIC की तैयारी, KB की तैयारी, DSSB की तैयारी और साथ में अपने जो GIC आश्रम पद्धति है उसकी तैयारी भी अच्छे से कर सके। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा, अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी पर डे आपको सपोर्ट करता रहूँगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।